नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के लाख मनाने के बावजूद भी अब रघुवंश प्रसाद मानने के मूड में नजर नहीं आ रहे। जी हां, अब वो आरजेडी छोड़ सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से लालू प्रसाद यादव लगातार कोशिश कर रहे हैं उनको मनाने के लिए, लेकिन रघुवंश प्रसाद सिंह ने ये तक कह दिया कि इस वक्त वो बातचीत करने के मूड में नहीं है। जब उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी तभी राजनीति पर बात करेंगे। इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि अब रघुवंश प्रसाद सिंह आरजेडी को टाटा बाय बाय कर सकते। चार दशक पुरानी दोस्ती एक बार फिर से टूट सकती है और इसका टूटना तय माना जा रहा है। आपको बता दें कि बुधवार को भी रघुवंश बाबू के समर्थकों ने रामा सिंह की राजद में एंट्री को लेकर राबड़ी देवी के आवास के सामने जमकर खिलाफत करते हुए नारेबाजी की। गौरतलब है कि रामा सिंह की राजद में एंट्री को लेकर रघुवंश प्रसाद सिंह पहले भी नाराजगी जता चुके हैं। आपको बता दें कि रघुवंश बाबू जब कोरोना से पीड़ित हुए थे और एम्स में भर्ती हुए थे, उसी दौरान तेजस्वी ने रामा सिंह की एंट्री पर मुहर लगा दी थी। ये बात जैसे ही रघुवंश प्रसाद सिंह को पता चली तो उन्होंने जबरदस्त नाराजगी का इजहार किया था। फिर मामला राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने संभाला और रामा सिंह की एंट्री पर तत्काल रोक लगा दी गई। बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए तेजस्वी यादव ने, जैसा कि बताया गया कि रामा सिंह 29 अगस्त को राजद की सदस्यता को ग्रहण करेंगे, इस बात की जानकारी जैसे ही दिल्ली के अस्पताल में इलाजरत रघुवंश प्रसाद सिंह को मिली तो एक बार फिर से वो नाराज हो गए। उनके समर्थकों के द्वारा भी रामा सिंह की एंट्री को लेकर जबरदस्त विरोध किया जा रहा है। बुधवार को भी महनार से आए रघुवंश बाबू के समर्थकों ने राबड़ी देवी के आवास के आगे रामा सिंह के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और राजद सुप्रीमो को भी अवगत करा दिए। गौरतलब है कि तेजस्वी यादव सीधे दिल्ली से रांची गए और इस मसले पर लालू प्रसाद यादव से बातचीत भी की। तेजस्वी यादव ने रांची से लौटने के बाद राबड़ी देवी के आवास के समक्ष रामा सिंह के खिलाफ हो रहे नारेबाजी पर कहा कि हर पार्टी कार्यकर्ताओं का अधिकार है कि वो टिकट मांगे और ये लोग टिकट की मांग कर रहे हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। आपको बता दें कि लालू के बड़े लाल तेज प्रताप यादव ने भी रघुवंश बाबू के खिलाफ काफी तीखी टिप्पणी दी थी, जिसमें तेज प्रताप यादव ने कहा था कि समुद्र से एक लोटा पानी बाहर आ जाएगा तो समुद्र के सेहत पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तेज प्रताप यादव ने रघुवंश प्रसाद सिंह की तुलना राजद में एक लोटा पानी से कर दी थी और इस बात से रघुवंश प्रसाद सिंह काफी नाराज थे। तो ये दूसरी बार है जब पार्टी में रामा सिंह की एंट्री को लेकर बवाल मच गया है और दूसरी तरफ रघुवंश प्रसाद सिंह ने फिर से नाराजगी जताई है। हालांकि कैसे लालू प्रसाद यादव उन्हें मना पाते हैं, क्योंकि कवायदें काफी तेजी से हो रही है, लेकिन उसके बावजूद रघुवंश प्रसाद सिंह मानने के मूड में नजर नहीं आ रहे। ऐसे में अब तक का जो सिनेरियो है उससे यही पता चलता है कि रघुवंश प्रसाद सिंह आरजेडी को अब जल्द ही टाटा बाय बाय कर देंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज फाउंडेशन। नमस्कार।